हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यह जो आंवला का पौधा देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में जो फ्रूटिंग हुई हमने गमले में लगाया है, तो आपको आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि गमले में लगे आंवले के पौधे को कैसे देखभाल करना है कि मेरा ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आए। गमले में लगे आंवले के पौधे के ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको समय समय पर पोषक तत्व से भरपूर खाद देना होता है, तब जाके आंवले के पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आता है। आंवला का पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह औषधीय गुण से भरपूर होता है और इससे बहुत सारे मेडिसिन आज भी बनते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो में नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएं। वैसे तो आंवला के पौधे में साल में एक बार फ्रूटिंग होती है, लेकिन अगर आप बारहमासी आंवले के पौधे को लगाइएगा तो साल में दो बार फ्रूटिंग होता है। इसमें आपके एक अप्रैल से मई में इसमें आता है फूल, और दूसरा आता है आपका जून से जुलाई के महीने, और छः महीने के बाद आपका फ्रूट जो होता है वह तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इसका हार्वेस्टिंग कर लीजिए। तो दोस्तों, हमने इस पौधे को मार्च के महीने में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग आया था, जो कि अब सितंबर का महीना चल रहा था, यानी छः महीने के अंतराल के बाद मेरे आंवले के पौधे अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं और मैच्योर हो गए हैं। अब मैं इनका हार्वेस्टिंग कर सकता। आंवले के पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और इसमें पानी आपको प्रत्येक दिन देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह पानी बहुत ज़्यादा संख्या में इस प्लांट्स को चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमने 35 इंची के पोट में आंवले के पौधे को लगाया है, जो कि इस समय इसकी हाइट 6 से 7 फीट हो गई है, और यह कितने सुंदर से मैच्योर ब्रांच इसमें आए हुए हैं, और यह मेरा 2 साल का आंवले का पौधा है। तो दोस्तों, अगर आप ग्राफ्टिंग प्लांट्स लगाते हैं तो 2 साल के अंतराल के बाद इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आता है। वैसे फ्रूटिंग आता है, लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं आता है। तो आपका पौधा 2 साल का होता है, यानी मैच्योर हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा संख्या में आंवले के पौधे को आप जब भी लगाएं तो 20 से लेकर 40 इंची का पोट में लगाएं या बड़े से गमले में लगाएं। तो हमने बड़े से गमले में लगाया है, क्योंकि इसकी जो रूट है बहुत जल्दी बढ़ता है और प्लांट्स आपका बहुत जल्दी ग्रो करता है। और इसे आप बरसात के सीजन में इस पौधे को दोमट काली मिट्टी में लगाइए, उसमें रिवर सेंट, बर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद और नीम खली, इन सभी को मिक्स कर आप गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से बनाकर आप इस प्लांट्स को लगाइए। और इस पौधे में आपको हर एक महीने खाद देने की ज़रूरत होती है, तब जाके इसमें फ्रूटिंग एवं फ्लावर बहुत अच्छी तरह से आते हैं। देखिए मेरे प्लांट्स कितने आपको हेल्दी एवं घने नज़र आ रहे हैं। तो हमने इसे हर एक महीना पोषक तत्व से भरपूर खाद दिया, और जब इसमें फ्लावरिंग आए तब आपको इस प्लांट्स में ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जब इस पौधे में फ्लावरिंग आए तब आपको इसमें पानी की थोड़ी मात्रा कम कर देना होगा। अगर आप ऊपर वाटरिंग करते हैं तो सारे जो फूल है वो गिर जाएंगे, और पानी की अगर उचित मात्रा का आप ख्याल रखते हैं तो आपके प्लांट्स में जो फूल आ रहे हैं वो फल के रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। उस समय पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना, और पौधे को ऐसे जगह पर रखना जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है। इस फूल की खासियत यह है कि इसकी जो पत्ती है उसी में आपको सैकड़ों की संख्या में फूल आते हैं, और गमले में लगे छोटे से प्लांट्स में हजारों की संख्या में फूल आते हैं। या दोस्तों, जब इसमें फूल आए तब आपको पानी की उचित मात्रा थोड़ा ध्यान रखिए, और पौधे को प्रॉपर सनलाइट दीजिए, और पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, और गमले की मिट्टी की गुड़ाई आप हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें। मिट्टी की गुड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा, इससे गमले की जो मिट्टी है हल्की होगी, भुरभुरी होगी, और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा, और जो इसके रूट बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं तो उसके में भी यह फायदा करेगा। दोस्तों, आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई हर एक 15 दिन में अंतराल में करते रहें, इससे गमले की मिट्टी होगी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा, और जो भी आप इसमें खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। देखिए, गमले की मिट्टी की कोड़ाई करने से ये फायदा हुआ कि जो इसके ऊपरी भाग में रूट थे सभी आ गए हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से इसी तरह से
निकाल दीजिए, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। या गाय से बना गोबर का खाद है जो कि पुराना खाद है और इसमें कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, आपको फ्रूटिंग लाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका आपको आंवले के पौधे में डालने के लिए आपको 200 ग्राम ले लेना है और गमले में पूरा साइड साइड इसी तरह से डाल देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये NPK 19:19 फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले के पौधे के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद देना बहुत ज़रूरी होता है और इससे फ्रूटिंग जो आकार है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उसका आपको एक चम्मच यानी 30 से 40 दाना ले लीजिए और गमले की मिट्टी में आप साइड साइड इसी तरह से डाल दीजिए। दोस्तों देखिए यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और NPK का काम करता है और इसके पौधे में डालने से गमले की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बढ़ाता है, मिट्टी में फंगस लगता है उसको जड़ से ख़त्म करता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो आंवले के पौधे के लिए आपको 100 ग्राम ले लेना है और करीब 2 चम्मच बड़े चम्मच आकार में आप इसी तरह से डाल दीजिए। यह सीविड फर्टिलाइजर है जो कि समुद्र में रहने वाले समुद्री जल सहवाल से बनता है और प्रचुर मात्रा में इसमें पोषक तत्व तो पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फ्रूटिंग का आकार को बढ़ाता है, मिट्टी को नमी बरकरार रखता है। तो उसका आपको 2 चम्मच ले लेना है और गमले में साइड में इसी तरह से आपको डाल देना है। कंपोस्ट खाद है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम पाया जाता है और केचुए का खाद बहुत ही पौधे के लिए अच्छा होता है। तो आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके आप 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दीजिए, आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। दोस्तों आप जब भी खाद डालिए तो गमले की मिट्टी को हल्की भुरभुरी कर देने से आप जो खाद डालेंगे वो प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और पौधा आपका फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरह से होगा। तो अप्रैल के महीने में देखिए इसके जो फ्रूटिंग है अब तैयार होने लगी है, पत्ती में ही इसमें फ्रूट छोटे छोटे आते हैं और इसके आपके पूरे प्लांट्स में छोटे छोटे में बहुत सारे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं और परिपक्व होने में 6 महीने के बाद लगता है। देखिए 6 महीने के बाद मेरे इस प्लांट्स में कितने अच्छे संख्या में फल अब बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों इस पौधे में ज़्यादा फल संख्या में फल लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पौधे में जब फ्लावरिंग आए तब आपको ओवर वाटरिंग उस समय नहीं करना है, पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए और पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और उसके बाद आपको लगातार 6 महीने तक इसमें पोषक तत्व से भरपूर खाद देना पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, नीम खल्ली, सीविड फर्टिलाइजर, NPK फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर इस पौधे को दीजिएगा, तब जाके आपके जो फ्रूट्स रहेंगे वो गिरेंगे नहीं और बड़े बड़े आकार में होंगे। इस पौधे के लिए पानी और खाद दोनों बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसका उचित मात्रा रखिएगा तो आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह फ्रूटिंग आएंगे और बड़े बड़े फल होंगे। इस पौधे को बारिश का पानी यानी वरदान साबित होता है क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन में बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो फल आते हैं उसका भी आकार को बड़ा बड़ा करते हैं। अगर आप इस पौधे को नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी इस पौधे को अगर लगाते हैं तो 6 महीने के अंतराल के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग 2 साल के बाद ही इस पौधे से होता है। आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने आंवले के पौधे में ढेर सारा फ्रूटिंग पाइए गमले में लगे हुए पौधे से। वैसे तो इस पौधे में कीट पतंगे बहुत ही नाम मात्र के लगते हैं, लेकिन इसमें व्हाइट मकड़ी नाम का एक कीट लगता है जिसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल का स्प्रे करने से आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, हेल्दी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पौधे का देखभाल करते हैं आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग होंगे और फल का आकार भी बड़ा बड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।